नमस्कार, आप सभी का वीरी टीवी भारत में स्वागत है, जहां सारे फैंस बड़ी ही बेसब्री से जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार 2 की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इसे केरल के थिएटर्स में रिलीज नहीं किया जाएगा। केरल के थिएटर मालिकों ने अवतार 2 को अपने यहां रिलीज करने से इनकार कर दिया है। अवतार द वे ऑफ वाटर 16 दिसंबर को रिलीज होगी। इसे इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में रिलीज किया जाएगा। द फिल्म एग्जीबिटर्स यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरल यानी FEUOK ने मंगलवार को अनाउंस किया कि वह अवतार 2 को केरल में रिलीज नहीं होने देंगे। इसकी वजह फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर्स के मालिकों के बीच मुनाफे को लेकर हुए विवाद को बताया जा रहा है। पूरा मामला क्या है अब आपको बताते हैं। अवतार 2 के डिस्ट्रीब्यूटर्स की मांग है कि फिल्म रिलीज होने के बाद पहले हफ्ते में जितनी भी कमाई हो उसमें से 60% हिस्सा उन्हें दे दिया जाए, जबकि थिएटर्स के मालिक सिर्फ 55% ही देना चाहते हैं और इसमें 1% ज्यादा भी देने को तैयार नहीं है। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी वजह से FEUOK ने केरल में अवतार 2 को रिलीज न करने का फैसला किया है। FEUOK का कहना है कि अवतार 2 की रिलीज पर केरल में बैन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वो मेकर्स की इस डिमांड को नहीं मान सकते। केरल में सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं। फिल्म एग्जीबिटर्स यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरल के मुताबिक अवतार 2 के डिस्ट्रीब्यूटर्स इन सिंगल स्क्रीन थिएटर से ज्यादा पेमेंट की मांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। हालांकि अभी अवतार 2 की रिलीज में 2 हफ्ते बाकी हैं और ऐसे में अगर बातचीत से मसला हल हो जाता है तो फायदा हो सकता है। अगर मसला हल नहीं होता तो इससे अवतार 2 की ओपनिंग पर असर पड़ेगा और कमाई पर भी असर पड़ सकता है। अवतार 2 को देश में 20th सेंचुरी स्टूडियोज रिलीज कर रही है। फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी समय पहले ही शुरू हो चुकी है। करीब 2,000 करोड़ रुपए के बजट में बनी अवतार 2 2009 में आई थी। अवतार का सीक्वल पार्ट है। दूसरा पार्ट करीब 14 साल बाद रिलीज होने जा रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए वीरी टीवी भारत से जुड़े रहे। नमस्कार।